चीकू जंगल की दुनिया में घुमा रही है, लेकिन वो खुद नहीं जानती कि आगे उसका रास्ता एक खूंखार शेर भी देख रहा है। शेर कितना खतरनाक हो सकता है ये जिराफ को अच्छे से पता है, इसलिए वो अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ रही। लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जब जिराफ शेर को भगाने के लिए पैर मारती है, लेकिन पैर लगने से उसका बच्चा ही गड्ढे में गिर जाता है। घबराई हुई जिराफ अपने बच्चे को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। इधर भूखा शेर खुद नीचे पहुंचकर बच्चे पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ घसीट कर पानी के पास ले आता है, लेकिन माँ से उसके बच्चे को अलग कर पाना शेर के लिए भी आसान नहीं होता। जिराफ वहाँ आ जाती है और शेर को वहाँ से भगा कर ही दम लेती है। और अब कुछ देर में बेबी जिराफ भी उठकर खड़ा होता है, लेकिन घायल होने के कारण ढंग से चल भी नहीं पाता। वो खुद को बचाने की ख्याल से पानी में तो उतरता है, लेकिन कुछ ही देर में जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है और एक माँ अपना बच्चा खो देती है। शिकार के लिए बाहर निकलता है तो फिर उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन सा जानवर है, उसे बस अपना पेट भरना है। अब चाहे उसके सामने कोई हिरण हो या फिर कोई क्यों ना हो। यहाँ एक हिप्पो अपने बच्चे के साथ बाहर निकली है, लेकिन उन पर शेर के ग्रुप की नजर पड़ चुकी है और उन्हें अपना शिकार बनाने के इरादे से वे उनके पीछे चल पड़े हैं। हिप्पो जल्दी ये समझ जाती है कि वो आज खुद को और अपने बच्चे को इन खूंखार दरिंदों से नहीं बचा पाएगी, इसलिए जब शेर उस पर हमला करते हैं तो वो ज्यादा हाथ पैर भी नहीं मारती और अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बलि चढ़ने के लिए आगे हो जाती है। वो दर्द सहती रहती है, लेकिन किसी शेर को अपने बच्चे के पास नहीं आने देती। मगर थोड़ी देर में जब वो हिप्पो शेरों के हमलों से ज्यादा घायल हो जाती है तो शेर छोटे हिप्पो पर भी हमला कर देते हैं और वो अपने बच्चे की कोई मदद नहीं कर पाती। हमला सबसे खतरनाक होता है और इसके हमले से बच पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन क्या हो अब किसी शेर के बच्चों का दुश्मन कोई दूसरा शेर ही बन जाए। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ एक शेरनी अपने दो बच्चों के साथ टहलने निकली है। उसके बच्चे वहीं पास के मैदान में खेलने लगे हैं कि तभी उसके सामने दो शेर आ जाते हैं। वो शेरनी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आती है और वो उन दोनों पर हुर्राने लग जाती है। अब दोनों शेर उसके बच्चों को मारने के इरादे से आगे बढ़ते हैं, लेकिन शेरनी की ललकार कुछ समय के लिए उन्हें रोक देती है। मगर शेर आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। उनमें से एक शेर उस शेरनी की तरफ बढ़कर उसे बिजी रखता है तो दूसरा शेर चुपके से उसके एक बच्चे को अपना शिकार बना लेता है। शेरनी को जब तक इसके बारे में पता चलता है तब तक उसका एक बच्चा मर चुका होता है। वो अपने मरे हुए बच्चे के पास जाकर जोर जोर से विलाप करती है, तभी उसका दूसरा बच्चा भी वहाँ जाता है। जंगल में खूंखार जानवर जब भूखे होते हैं तो किस हद तक जा सकते हैं ये तो हमने देख ही लिया। वो अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर के नन्हे बच्चे को भी नहीं छोड़ते और इसे अपना शिकार बनाकर ही दम लेते हैं। फिर चाहे उसके लिए उन्हें उसकी माँ को ही क्यों ना मारना पड़े। खूंखार जानवरों की बात होती है तो उनमें जंगली कुत्तों का भी नाम आता है। ये झुंड में रहकर शिकार करना पसंद करते हैं और अपने नुकीले दांतों और पंजों से शिकार को नोच डालने में भरोसा रखते हैं। कुछ जंगली कुत्ते आज वॉरथॉक का शिकार करने निकले हैं और उन्होंने एक वॉरथॉक के बच्चे को अपना शिकार भी बनाया हुआ है, मगर यहाँ उसकी माँ भी मौजूद है जो उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। वो वॉरथॉक बार बार उन कुत्तों की तरफ भी बढ़ती है, लेकिन उनके खतरनाक मंसूबों के आगे खुद को कमजोर पाती है और कुछ नहीं कर पाती। इधर कुछ कुत्ते उस वॉरथॉक के बच्चे को अपने साथ खींचते हुए दूसरी जगह ले आते हैं और उसके शरीर पर अपने पैने दांत गड़ाने लगते हैं। दर्द से चिल्लाता वो बच्चा भी खुद को बचाने के लिए लाख कोशिशें करता है, लेकिन खूंखार कुत्तों की पकड़ से निकल पाना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। मादा वॉरथॉक दूर से इस खूनी मंजर को देखती है, लेकिन उसे जंगली कुत्तों के मुंह से निवाला बनने से नहीं रोक पाती। बाहर निकले खूंखार चीते की नजर एक बेबी वाइल्डबीस्ट पर पड़ चुकी है और वो अब उसे अपना शिकार बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल चीता अपने शिकार को देखने के बाद पहले एक ही जगह पर शांति से खड़ा रहकर उसे कूदता रहता है और फिर अचानक से पूरी रफ्तार से उस पर टूट कर उसे दबोच लेता है। यहाँ भी थोड़ी देर रुककर चीता पूरी ताकत के साथ शिकार की तरफ बढ़ जाता है। इतने बड़े खतरे को देखकर वाइल्ड बीस्ट भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चीता की रफ्तार के आगे कमजोर पड़ जाता है और उसका शिकार बन जाता है। वाइल्ड बीस्ट चीता के सामने छटपटाता है, लेकिन चीता उसे उसकी गर्दन से पकड़कर बैठ जाता है। कुछ देर में यहाँ वाइल्ड बीस्ट की माँ भी आ जाती है, लेकिन दूर से खड़ी होकर इस पूरे मंजर को देखती है क्योंकि चीता से टकराने की ताकत तो उसमें भी नहीं है। आखिरकार वाइल्ड बीस्ट वहाँ से चली जाती है और चीता अपने शिकार के साथ ही बैठा रह जाता है। ना हो सकता है हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो अपने सामने आने वाले छोटे जानवरों को तो मारता ही है, मगर बड़े जानवरों को भी नहीं छोड़ता।